गुड मॉर्निंग रिस्पेक्टेड लिसनर्स, डियर लिसनर्स। हरियाणा के दिल्ली से सटे जिले, राजनीतिक इतिहास के साक्षी, संपन्न राजनीतिक विरासत लिखने वाला जिला झज्जर। कांता के चुनाव ने जिले झज्जर की नींव रखी, एक नई कहानी लिखी। जिला बना परंतु बालिका शिक्षा के नाम पर जिले को वो खास अभी तक कुछ नहीं मिला। लोगों ने समय समय यहाँ कर गालें बजाई जोर जोर से। ईश ने सबको पाला, इस जिले ने इसको पालने का काम किसी ने नहीं किया। किसी ने रोहतक के संस्थान का उदाहरण दिया, किसी ने सोनीपत का, किसी ने दिल्ली का, परंतु हमारा जिला झज्जर प्यासा रहा बालिका शिक्षा के नाम पर। विश्वविद्यालय तो दूर 260 गांवों के वाले जिले में एक्सीलेंस से गर्ल्स स्कूल तक नहीं बन पाया, जिसकी धमक हो और दूसरे ज़िलों से आने तो दूर की बात, कम से हमारी बेटियां तो ये माने कि हमारे ज़िले में इतना बड़ा संस्थान भी से पढ़ूंगी। इन्हें दूर जाना बंद हो, दिल्ली जाना, सोनीपत जाना, रोहतक जाना, ये हमें मंजूर नहीं। मनु बाकर, बजरंग की बहू, गीता भूकल, मैं कहूँगा कि वो आगे हैं, इधर भी दमखम दिखाएं। एक्सीलेंस स्कूल के लिए कल बादली के युवाओं ने कहा था, वहाँ धीरपाल जी ने, पूर्व विधायक ने कहानी लिखी थी, उस जमाने महाविद्यालय बनवाने भूमिका निभाकर बादली के युवाओं ने कहा, इस बार हमारा प्रतिनिधित्व वही करेगा जो नामी ग्रामी बालिका स्कूल बनाने में भूमिका निभाएगा। सबसे महत्वपूर्ण बात है, इतना बड़ा गांव कहने को गांव, बाकी आबादी एक किसी कस्बे और शहर से कम नहीं। विधानसभा के 7% मतों का प्रतिनिधित्व करने वाला गांव बादली, जो आजकल नगर पालिका सरकार ने बना दी है, कस्बा कहा जाए, गांव की ट्रम से बाहर भी आ चुका है बादली। सहकारी क्षेत्र से बने, कोई शाहूकार बनाए या सरकार बनाए, अंतिम लक्ष्य एक्सीलेंस स्कूल फॉर गर्ल्स। हीरालाल शास्त्री, राजस्थान पूर्व मुख्यमंत्री, ने बनस्थली विद्यापीठ की नींव रखी थी। उनके मृत्यु के लंबे समय बाद भी आज उसकी वैश्विक स्तर पर धाक है। कोऑपरेटिव एजुकेशन सोसाइटी रन करती है उसे, न कोई सरकार न कोई साहूकार। इंदिरा गांधी बालिका निकेतन एक छोटे से गांव में अरबों की लागत वाला संस्थान पद्म श्री श्री सिन्हाओं जी ओला ने अपने गांव में बनवाया। हमें भी हीरालाल शास्त्री श्री सिन्हाओला जैसे एक धुरंधर योद्धा की जरूरत है, जो बादली में संस्थान को बना डाले। कमजोर खिलाड़ी जंग से बाहर हो जाएंगे, बड़े पहलवानों को हम कह रहे हैं यहाँ पहुँचे बादली विधानसभा और एक्सीलेंस स्कूल फॉर गर्ल्स के लिए जो पहल करेगा, हम उसी पहलवान के लिए ताली बजाएंगे। कमजोर पहलवान, बंदर की ताकत रखने वाले पहलवान मैदान से बाहर हो जाएंगे, शेरों का जमा बड़ा होगा इस मैदान में। तो मैं यही कहूँगा कि मनु भाकर, गीता भूकल दलगत बात से अलग हटकर मैं कहूँगा, महिला होने के नाते शिक्षा मंत्री भी रही है लंबे समय तक हरियाणा सरकार की, और झज्जर से 4 बार प्रतिनिधित्व करने का मौका दिया है रघुवीर खाद्यान्न को, भी मैं कहूँगा कि पुराना शिक्षक भी रहा है और वो विधानसभा कई बार जोर से चिल्लाता है कि मैं बहुत पुराना विधायक हूँ। दुष्यंत चौटाला जैसों कहता है कि मेरे तेरे जन्म से पहले का मैं यहाँ नेतृत्व करता रहा हूँ।
प्रतिनिधित्व करता हूँ मेरे क्षेत्र से, तो मैं झज्जर के लिए रघुवीर को कहूँगा कि अपने अनुभव का तकाजा इस स्कूल के निर्माण में दिखाए। ज़्यादा शक्ति लगाए तो बादली से बेरी भी ले जा सकता है स्कूल को, जो वो बादली में काम करे। और ये जिला स्तर का संस्थान बनना है, इसमें ज़्यादा अलग अलग नहीं करते। और भारतीय प्रधानमंत्री से भी कहूँगा कि बेटी पढ़ाओ के लिए चैनल ने एक बहुत बड़ी मुहिम छेड़ दी है, और चैनल बतौनी चैनल नहीं है। गाल बजाने के लिए भिखारी बजाते हैं, बड़ी बड़ी बातें बनाते हैं, गुंडे और बदमाशों को बहुत बातें आती हैं, परंतु चैनल पॉकेट को ढीली करने में विश्वास करता है। और अगर किसी ने स्कूल बनती है तो चैनल से किसी को वोट नहीं चाहिए, परंतु इस संस्थान के सेवक के लिए चैनल सबसे आगे खड़ा है। और जो भी समिति 20 लाख 50 लाख 1 करोड़ जो जिम्मे चैनल के लगाएगी, चैनल अपने सामर्थ्य के अनुसार उसका सहयोग अनिवार्य रूप से करेगा। तो आज मैं यही कहूँगा, बालिका शिक्षा नहीं, सुरक्षित बालिका शिक्षा पर जोर दिया जाए। मैं प्रधानमंत्री मोदी से भी कहूँगा, जैसे लाल बहादुर शास्त्री जी ने नारा दिया था जय जवान जय किसान, और अटल बिहारी वाजपेयी जी ने उसको आगे बढ़ाया था जय विज्ञान, यानी एक कड़ी उसी में और जोड़ी थी। तो मैं ये आह्वान करूँगा भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं से कि वो अपनी पार्टी और अपनी प्रधानमंत्री बात को आगे बढ़ाने के लिए सिर्फ बालिका पढ़ाओ नहीं, बालिकाओं को शिक्षित शिक्षा, ऐसी सुरक्षित शिक्षा देने पर जोर दिया जाए कि शिक्षित होने के साथ साथ सुरक्षित भी रहें, अपराधियों के हत्थे न चढ़ें, बुरी बातें सुनने को लिए अभिभावकों और समाज को न मिले। धन्यवाद।